वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच पढ़ रहे थे और डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच में इसके एंटीरियर मोस्ट पोर्शन में uh, हमने पढ़ा था टिल दिस फोरगट ऑफ दिस डाइजेस्टिव सिस्टम इन कॉकरोच जो है एलिमेंट्री कंडाल होता है इसका जो मेन इंटीरियर पोर्शन होता है फोरगट बनाता है जिसमें हमारे माउथ पार्ट प्रेजेंट होते हैं फेरिंग्स होते है, और ऐसे फिगर्स प्रेजेंट होते हैं और क्रॉप प्रेजेंट होती है और उसके लास्ट पोर्शन जो गीजर्ट प्रेजेंट होते हैं वहाँ तक हमने पढ़ा था और आज वाले सेशन में आज वाले इस वीडियो सेशन में हम इसके रेस्ट ऑफ द पोर्शन जैसे कि एलिमेंट्री कनाल के फोर फोर uh, जिस एंटीरियर uh, पोर्शन हमने डिस्कस कर लिए थे फोर uh, कट बोलते हैं जिसे आज हमें डिस्कस करना है मिड गट एज़ वेल एज़ हमें हाइन घट अगर हम सबसे पहले मिड घट की बात करें तो फिर ये जो मिड गट होता है इसको मेजेंट्रॉन भी बोला जाता है मेजेंट्रोन ये मेजेंट्रोन या मिड कट जो है एक छोटा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है जो कि एलिमेंट्री कनार का मिडल पोर्शन बनाता है जिसको वेंट्रिकुलस भी बोला जाता है मेजेंट्रोन को वेंट्रिकुलस भी बोला जाता है इसको मिड गट भी बोला जाता है ये सिंपल में एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है लाइक जैसा हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था फोर गट के बारे में इसमें बहुत से स्ट्रक्चर्स ग्रो प्रेजेंट थे गिजर्ट प्रेजेंट थे फेरिंग्स और डिफरेंट रीजन प्रेजेंट थे लेकिन इसमें मिड रीजन में जिसको मेजेंट्रोन या वेंट्रिकुलस भी बोला जाता है एक सिंपल सा शॉर्ट नेरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है अगर हम इसके इंटरनल लाइनिंग को देखें तो फिर ये इंटरनली लाइन ये किया जाता है ग्लैंडुलर एपीथीलियम से और ये ट्रू स्टोमक बनाता है जहाँ पे एबजॉर्प्शन होता है लास्ट uh, वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि ये जो uh, इसके इंटरनल लाइनिंग होते हैं सॉफ्ट होते हैं विद रेस्पेक्ट टू दी फोर कट एंड दाइट गट एट दैट्स वाई यहाँ पे मोस्ट ऑफ दब्जॉप्शन एज वेल एज डाइजेशन ये मिड गट में होती है ठीक एब्जॉर्प्शन मेनली हमारे मिड गट में होती है मिजेंट्रॉन में होती है जिसको वेंट्रिकुलर भी बोला जाता है Uh, अगर मैं स्ट्रक्चरली देखा हूँ तो फिर यहाँ पे इंटीरियरली फाइंड दैट द गिज़र बिलो दिस गीजर देर इज़ दिस ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर दिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फ्रॉम दिस फाइंड एट दिस पोर्सन द मेलफिजन इज आउट देयर टिल दैट रिजन देयर इज़ ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिस पार्टिकुलर ट्यूबुलर शॉर्ट ट्यूबुलर और नेरो ट्यूबलैक्स स्ट्रक्चर इज नोन एज मेजनड्रोन और मिर्गट Further, if you talk about this uh, structure, hepatic saca, uh, the floor-like or the uh, finger-like projections that, that is present at the anterior portion of this uh, uh, midgut, you will find that there are finger-like projections uh, forming uh, that, uh, uh, in between the connection of gizzard and the midgut. Uh, let us talk about it. It's known as hepatic saca. इट इस्ट एट एंटीरियर एंड ऑफ दिस मिड कट एंड इट फॉर्म्स सेवन टू एट शॉर्ट नेरो ब्लाइंडली एंडिंग होलो ट्यूब यानी यहाँ पे सात टू आठ छोटे छोटे ख़ुद पे ही ब्लाइंडली एंड होते हुए ओपनिंग एंड नहीं होता है इन ट्यूबुलस स्ट्रक्चर का ओपनिंग एंड नहीं होता है एंड uh, इसके जो एंड होते हैं वो ब्लाइंडली एंड होते हैं इसमें कोई ओपनिंग नहीं होती है और यहाँ पे छः सात टू आठ ऐसे लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हेपेटिक है, हैपे, साइका भी बोला जाता है या एंटेरिक साइका भी बोला जाता है जो कि हमारे जो मिड कट होता है उसके एंटीरियर मोस्ट पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं अगर मैं स्ट्रक्चरल देखाऊँ तो फिर ये वाले जो फिंगर लाइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि एरोस हो रहे हैं इसके एंटीरियर पोर्शन में इनको बोला जाता है हेपेटिक साइका या मिड कट या एंटेरिक साइका अगर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात इंटरनल लाइनिंग की बात करें तो फिर ये जो हैपेटिक साइका होता है इसको भी इंटरनली लाइन किया जाता है एपिथीलियम से और ये डाइजेस्टिव इसक माना जाता है कि ये जो हैपेटिक साइका जो प्रेजेंट होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये ये सीक्रिट करता है डाइजेस्टि, डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव इनजैम फर्दर अगर हम पढ़े और एक स्ट्रक्चर जो कि प्रेजेंट होता है एलिमेंट्री कनाल के सराउंडिंग में तो फिर यहाँ पर मेलफीजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं अगर हम देखें मिड गट ये जो हैपेटिक साइका है ये तो प्रेजेंट था हमारे मिड गट और आ, फोर गट के सेगमेंट के बीच में प्रेजेंट था ना एंटीरियर सेगमेंट में प्रेजेंट था लेकिन ये जो मेलफीजियन ट्यूब्यूल होता है ये प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर रीजन में पोस्टीरियर रीजन जहाँ पे मिड गट खत्म हो रहा है और यहाँ से हाइंड गट स्टार्ट हो रहा है इन दोनों के जंक्शन में आप देख सकते हो यहाँ पे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसको बोला जाता है मेलफीजियन ट्यूब्यल लेकिन ऑन द अदर हैंड दिस स्ट्रक्चर दिस टूबुलसक्चर फाइनली ट्यूबुलटेड स्ट्रक्चर दैट आर प्रेजेंट एट द इंटीरियर पोर्शन Of this mesentron, these particular uh, structures are known as hepatic sac or enteric sac. But the other, uh, but at uh, uh, the other uh, other hand, you will find that these structures that are present it, uh, on its posterior portion, it's known as uh, they are known as malphigian tubule. So let us talk about this malfusion tubule. Uh, this malphigian tubule uh, forms at the junction between midgut and hindgut, and you will find there in eighty to ninety uh, in number. And they are very narrow and thread-like structures that are present on it. Uh, if we talk about their color, they are yellowish in color, uh, yellow yellow colored, and they are also blind to be blindy uh, blind tubules. That means that they have no opening. Uh, and they are, uh, and they project freely into this hemocil. And we all know that this malphigian tubule mainly works in uh, excretory system. So uh, they mainly uh, float into this uh, hemocil where they uh, take this waste material from the hemo seal and uh, and pass them outside the body. इन जो छोटे छोटे आर सी टू नब्बे नेरो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं इन्हें बोला जाता है मेलफिजियन ट्यूब्यूल जिनको मेलफिजियन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्हें पता करने वाले मेलफिजियन डॉक्टर डा, मेलफिजी या एनाटोमिस्ट है एटिलियन उनके नाम पर रखा गया है लो फर्दर uh, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो फिर ये जो स्ट्रक्चर है असल में मेलफीजन ट्यूब्यूल हैंड कट से एराइज़ होते हैं और ये इसका मेन फंक्शन एक्सक्रिटी होता है जैसे हमने अभी बात की अगर हम इसके बाद हैंड कट की बात करें तो फिर आ, ये जो मिड कट जहाँ पर एंड हो रहा है जहाँ पे हमारे मेलफीजन ट्यूब्यूल प्रेजेंट है यहाँ से एंड की तरफ जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ये हमारा हैंड कट बनाता है अगर हम हैंड कट की बात करें तो फिर इसको प्रोटोक्टो प्रोक्टोडाइम भी बोला जाता है और ये जो हाइंड कट है पोस्टीरियर रीजन के वन थर्ड पोर्शन को बनाता है पोस्टीरियर वन थर्ड पोर्शन को बनाता है एलिमेंट्री कनाल के जिसको हैंड कट बोला जाता है हैंड कट पोस्टीरियरली वन थर्ड रीजन ये अपने अंडर लेता है एलिमेंट्री कनाल के <coughs> अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो फिर ये जो हैंड कट है ये डिविजिबल है हम इसे देख सकते हैं इन थ्री डिफरेंट डिस्टिंगटिव स्ट्रक्चर्स दीज आर नोन एज ईलियम कोलॉन एज वेल एज रेक्टम दिस स्ट्रक्चर दिफ इनिशियल स्ट्रक्चर दैट इज प्रजेंट दैट इज प्रजेंट जस्ट बिसाइड दिस मेजेंट्रॉन इज नॉन इज ईलियम एज वेल एज दि सेंट्रल स्ट्रक्चर विच इज बिटवीन दिस एलियम एंड दिस रेक्टम पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन दिस इज नॉन इज कॉलोन एंड द पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन विच एक्टेस एंड एक्ट्रीटरी स्ट्रक्चर इज नॉन एज रेक्टम अगर हम सबसे पहले एलियम की बात करें तो फिर एलियम खुद में ही एक छोटी सी ट्यूब स्ट्रक्चर है जो कि पोस्टीरियर एंड पे प्रेजेंट होती है अगर इसके कैरेक्टेरिस्टिक्स को देखें तो फिर इस पे सिक्सटीन ही ट्राइंगुलर लोब्स प्रेजेंट होते हैं इंटरनली अगर हम देखें जिस पे स्पीक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक स्पेंसटर का काम करते हैं यानी कि एलियम के एलियम को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं जेन का तो ये भी एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है एलिमेंट्री कनाल का पार्ट होता है लेकिन इसके इंटरनली अगर हम देखें तो फिर छः छह छोटे छोटे ट्राइंगुलर लोब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि जिस पे स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या मदद करता है जेन तो जो स्पेंस्टर की तरह अब ये स्पेंस्टर की तरह मदद करता है ताकि खाने को दोबारा वापस एलिमेंट्री कनाल से फोरगट की तरफ ना जा पाए यानी कि पोस्टीरियर पोर्शन से एंटीरियर पोर्शन में ना जा पाए फर्दर इसके बाद अगर हम सेंटर वाले रीजन की बात करें जिसको कोलन बोला जाता है हाइंड गट के ये ये जो यह थोड़ा सा लंबा स्ट्रक्चर है और ये मोटा स्ट्रक्चर है जिसका इरेग्युलर शेप है इसके बाद हमारा रेक्टम इनिशिएट होता है अगर हम रेक्टम की रेक्टम की बात करें तो फिर रेक्टम को हम स्ट्रक्चरली भी देख सकते हैं कि एक ओवल स्ट्रक्चर है रेक्टम जो एंड पार्ट बना रहा है एक ओवल स्ट्रक्चर है जिसपे क्या प्रेजेंट होती है तो जिस पे एक्सटर्नली अगर हम देखें तो फिर इस पे रिज प्रेजेंट होते हैं ये अल्टरनेटिंग रिच प्रेजेंट होते हैं जो कि इंटरनल थिकनिंग रेक्टल थे पेड्स भी बोला जाता है या रेक्टल पेपिला भी बोला जाता है जो एक्सटर्नल रिज होता है वो अल्टरनेट करता है इंटरनल लॉन्गटूनल थिकनिंग से इंटरनली इंटरनली जो स्ट्रक्चर थीक हो गया होगा उसके अल्टरनेट में उसके साइड में एक एक्सटीरियरली uh, जो बाहर uh, uh, वाले पोर्शन से एक रिज प्रेजेंट होती है uh, ये रेक्टम का ये मेन कैरेक्टर है कि इसके एक्सटर्नली रिज प्रेजेंट होते हैं जो अल्टरनेट होता है इंटरनल थिकनिंग से जिसको इंटरनल थिकनिंग को रेक्टल पेड्स या रेक्टल पेपिला भी बोला जाता है अगर हम रेक्टल तो रेक्टम की, की बात करें तो फिर ये जो ये पेड्स की बात करें रेक्टल पेपिला की बात करें या इंटरनल थिकनिंग की बात करें तो फिर ये छ छ होते हैं प्रेजेंट होते हैं जिसको बोला जाता है रेक्टल ग्लैंड भी रेक्टम uh, जो है ओपन होता है आउटसाइड थ्रू दिस एनस ये जो एनस है एनल ओपनिंग है यहाँ के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल है बाहर एक्सपेल्ड आउट uh, किया जाता है और अगर हम हाइंड गर्ड की लाइनिंग की बात करें तो फिर ये क्यूटिकुलर लाइनिंग होते हैं uh, uh, लेकिन यहाँ पे क्या होता है जनरल का तो बट इज़ मोर प्रीशियस टू वाटर देन देट ऑफ फॉरगर्ड यहाँ की यहाँ पे जो वाटर का रीऑबजॉर् री से ये बहुत ज़्यादा होता है अगर हम फोरगट की बात करें फोरगट में तो होता ही है लेकिन जो हाइंडगट में है यहाँ पे वाटर की एबजॉपशन बहुत ज़्यादा होती है एंड इसी पे ही हमारा ये ख़त्म हो जाता है थैंक यू थैंक्स लॉट